Ooh. Hello, 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 guys. Everything okay? मैंने कौन सा एक्चुअली म्यूजिक यूज किया था वो मैं भूल गया। आज लॉयल्टी बजेगा लगता है। तो म्यूजिक तो मैं भूल चुका हूँ जो भी था। इसका गामा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आप लोग के लिए। हेलो तो FPS गुड आई थिंक सो। स्ट्रीम हेल्थ कैसे चल रहा है? QPS 2700। वेट सिग्नल कनेक्शन लेट्स गो। तो आज क्या ट्यूटोरियल किया जाए कि सर्वर्स खेला कैसे जाता है मींस माइनक्राफ्ट पीसी। और उसमें मेरे दो ऑप्शन है, मैं ट्यूटोरियल फोन और पीसी दोनों दिखा सकता हूँ आपको, कौन सा देखना बता दो। तो कोई एनीवन चैट पे सर्वर ऑन करो। सर्वर ऑन हो रहा है तब तक कोई अगर खुद चैट पे तो बात कर सकते हैं मेरे से। देयर इज एनीवन इन द सर्वर कोई है क्या? हम्म
बिजनेस हेल्दी वो तो मैं समझ गया, लेकिन शेयर कितनी हेल्दी है बताएगा? गाइस तो क्या हो गया ये? तो सर्विस स्टार्ट हो रहा है, आईपी तेरा हो वाली आईपी अभी गलत है, जो मैंने आईपी दी है वो वाली सही है। मैं इसको भी चीज देता हूँ, लाइट बोर्ड को भी यही चीज। लाइट बोर्ड का कमांड यप आ गया, सेट हो गया वो। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, काम स्टार्ट करें आगे। नो सर्वर लॉगर लाइब्रेरीज कोई है चैट पे? एनीवन Is there on the stream? चैट कर सकते हो यार अगर कोई हो तो। What? सर्वर तो ऑनलाइन है। अभी तो मैं आया ही नहीं। What the hell is this? Minecraft gets jumped. Minecraft got stuck, but yep, I failed to verify, so छोड़ देना भाई। If I failed to verify, तो छोड़ दो bro, सही बात। ये तो चलो कोई नहीं, मैं अभी दूसरी IP से कर लूँ, मैं अपने लॉयल गेमर में आ जाऊँगा। या तब तक आप लोग ट्यूटोरियल देखो, मैं ट्यूटोरियल दिखा सकता हूँ कि अगर किसी को पता नहीं है। वैसे मुझे ये अपनी बहन को दिखाना था, तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ अभी। रिकॉर्डिंग्स यप, सो अभी हम करते चलो
सर्वर आई पी रेडी है, आई पी दे देता हूँ। सम सॉर्ट ऑफ लैग, कुछ तो लैग हो रहा है मेरे माइनक्राफ्ट का, समझ नहीं आ रहा क्या लैग हो रहा है। हेलो डूड, हेलो हेलो हेलो, या माइनक्राफ्ट लैग हो रहा है और कुछ। सही चल रही होगी क्योंकि ये पता है माइनक्राफ्ट ही खराब हो रखा है। कैसे हो नेमलेस ब्रो? इसको कुछ तो हुआ है आज, माइनक्राफ्ट को कुछ हुआ या समझ नहीं आ रहा, ज्यादा लोड कर रहा है इस पे। इमेज वन, वीडियो कैप्चर, मीडिया सोर्स, एप्लीकेशन ऑडियो, ये सब तो ओबीएस पे लोड पड़ना चाहिए। पता नहीं गेम के क्या नशे हो रखे हैं इसमें। विंडोज कैप्चर ऑफ करना, माइनक्राफ्ट जरा हिल गया है, उसको सही करना पड़ेगा मुझे। वो सही हो जाए तभी हो पाएगा कुछ। नेक्स्ट फिर से कर रहे हैं हम माइनक्राफ्ट कॉल, ऑन हो जाए तो हम दिखाते हैं। और बताओ निमलेश भाई, कैसे क्या चल रही है जिंदगी? भाई मैं तो अच्छा, तुम बताओ ब्रो, तुम बताओ अपना। जब तक वो ऑन हो रहा है तब तक हम लोग बातचीत करते हैं। माइनक्राफ्ट ऑन हो गया तो खेलते हैं लब्बे साथ। इट्स नॉट रिसीविंग ऑडियो टू मी, वो ऑडियो तो अच्छी आ रही है। आई लव यू नाइस ब्रो, मस्ती रहना चाहिए ब्रो। केबीपीएस तो मेरा बहुत तगड़ा आ रहा, लेकिन यहाँ स्ट्रीम पुअर की दिखा रही है। KBPS तो मेरा 3000 एक सिस्टम से पार हो रहा है। सुन लो भाई, स्ट्रीम हम ऊपर दिखा रही है। टी लॉन्चर में मेरा पता नहीं क्या हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है। वाह ब्रो, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन ई लॉन्चर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दे रहा है मुझे। इसको कम कर टास्क इसको पूरा खत्म करके फिर से करना पड़ेगा। दो व्हाट्स योर ट्विटर आईडी? डी मेरी ट्विटर की कोई आईडी नहीं है, यही रियलिटी है। ट्विटर ट्विटर की कोई आईडी नहीं है। ओके, सो इधर से एंड टास्क करेंगे। 52% सीपीयू यूज कर रहा है ओबीएस, कहाँ कहाँ पे?
ये तो बड़ी दिक्कत की चीज हो गई। फेसबुक ब्रो ये सब पे मैं उतना अवेलेबल नहीं हूँ, मैं मोस्टली इंस्टा ही चलाता हूँ, इसलिए मैंने इंस्टा आईडी दी थी आपको। लॉन्चर ऑन नहीं हो रहा ब्रो, तब तक क्या ट्यूटोरियल दिखाऊं? क्या चाहते हो लॉन्चर तब तक ऑन होता है? या क्या क्या चाहते हो बोलो, यूट्यूब पे वीडियोस देखे नॉन कॉपीराइट वाली या क्या? अरे आप लोग का देखे बोलो, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप लोग? या तो मैं फैब्रिक यूज कर रहा हूँ इसलिए सर्वर पे लोड उस पर लोड पड़ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, या फिर मैं ऑप्टिफाई यूज करके कर लूँ। ऑप्टिफाई 1.20.4 से आता हूँ सर्वर, ठीक है लेट्स सी होता क्या है, क्या सर्वर लोड ले पाता है मेरा या फिर ऐसे ही। जय माता दी। मीडिया सोर्स शुरू है क्या? ओ मिटेंगे मेरे साउंड कम कर रहा है इसलिए। अरे वो रूम मीडिया सोर्स तो कैसे हो? गाइस मैं आपको फास्टेस्ट फार्म दिखाऊंगा आज, ठीक है, लेकिन क्रिएटिव में आप लोग को सर्वाइवल में आप बना सकते हैं, एक से एक अच्छे फार्म से। तो वेट करूंगा थोड़ा सा, मैं फार्म सिखाता हूँ आपको, फार्म बनाना सिखाऊंगा, बहुत इजी फार्म से। अगर सर्वाइवल कोई भी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ईजी फार्म हो जाएंगे आपके लिए। Minecraft not responding, ये not responding कर करके ना सब घुमा देगा मेरा, और कुछ नहीं पता है। अब वापस Eternals पे जाना पड़ेगा। ये तो अलग ही दिक्कत हो रही है। यार अब Eternals ऑन होगा फिर जाके कुछ होगा, बट बहुत टाइम लगता है ऐसे, तो टाइम पास ही हो जाएगा मेरा। ये तो ऐसा लग रहा है 18 मिनट ऐसे ही चलेगा मेरे, या मैं फोन से करता हूँ रुको।
लोडिंग पे है ये, लेट्स सी। भाई ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कर क्या रहा है भाई, जब मर्जी मतलब दिखा रहा है इंप्रॉपर कनेक्शन, भाई दिमाग खराब कर दिया भाई। ठीक है ब्रो, लेट्स गो। हेलो गाइस, माइनक्राफ्ट आ गया है, सर्वर आईपी वही होनी चाहिए, कास्ट चेंज ना हो ना, मुझे लाइट बॉट में भी वही चेंज करना पड़ेगा इधर। वो रहा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, जो सोचा था वही वाला। ओके ब्रो, तो ये आईपी हो गया, ठीक है। ओके ब्रो, तो गाइस हम सर्वर में एंटर कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया ना ब्रो, मैं रिस्पॉन्ड ही करूँगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना, कभी तो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। सो गाइस, मैं एक काम करने वाला था, एक बार ग्रामेज तो अब हम इस पर करेंगे। अगर कोई स्ट्रीम पे तो चैट कर सकता है वो, अब मैं सोच रहा था कि हम लोग करें अलग अलग चीज, फार्म्स बनाने का आइडियाज दिखाऊं मैं आपको, तो उसके लिए हम चलते हैं स्टूडियो में, तो मैं दिखाऊंगा आपको इजीएस्ट फार्म एवर, ठीक है, इजी इजी जो बहुत आसानी से बन जाए, इसलिए प्लेन लैंड। ओके, वो आपको इसके लिए चाहिए एक विलेज, पहले तो एक विलेज होना चाहिए, ठीक है, तो एक साइड पर मेरा विलेज था, आपके पास एक विलेज होना चाहिए। तो क्या ठीक है, तो हमें अब चाहिए इसके बाद सबसे पहले
ये आप लोग बिल्कुल इजी ना, तो इसके लिए हम कोई से भी ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, डर्ट भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़े स्टोन ब्लॉक्स ले लूँ, तो मुझे स्टोन वाले ज्यादा अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो मैं स्मूथ स्टोन ले रहा हूँ। स्लैब्स लेने हैं, बटन्स लेने हैं हमें, छः, ठीक है, 6 बटन होने चाहिए। और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बता देता हूँ। 9 हमें चाहिए साइन बोर्ड, साइन बोर्ड लाइन चाहिए, कोई सा भी साइन बोर्ड चलेगा। ठीक है, एक लावा बकेट चाहिए, एक वाटर बकेट चाहिए। ठीक है, तो हाँ, हेलो ब्रो, हेलो हेलो, आप वो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन द स्ट्रीम। आप भी तो हो, ये हो गया। और एक चाहिए हमें शवल, ठीक है, शवल। और हमें चाहिए बैरल, जो बनते हैं 2 स्लैब और 6 हमें चाहिए होते हैं उसके लिए प्लैंक्स, ठीक है, तब बैरल बन जाता है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल फार्म बना, ऐसे गिन लेना है कितना है। हमें बनाना है 8 बाय 5 का गैप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको 1 2 बाय 2 का कर देना है, मतलब 5 × 5 × 2, ठीक है। तो अभी इसका सेंटर देखना है, 1 2 3, ये सेंटर इस साइड। देखो एक साइड रखे हो तो वहां पे विलेजेस, विलेजर अगर इस साइड रखते हो तो सेंटर से इधर वाले ब्लॉक तोड़ते हो, ठीक है, सबसे इजी फॉर्म बना बता रहा हूँ। और चाहिए हमें अब एक चेस्ट, ठीक है, चेस्ट लगाओ, इसको हटाओ, सॉरी बैरल हट गया, इसको हटाओ। एक हॉपर चाहिए जो यहाँ लग गया, ये हटा दो। अब हमें चाहिए साइन बोर्ड जो ऐसे काम करेंगे, साइन बोर्ड 1 2 3 4 5 6 7, 6 ही लगा, ओ ये हो रहा था, 7 8 9, ठीक है। तो ये बहुत इजी फार्म बता रहा हूँ, आयरन फार्म है ये। तो हमें 4 साइड पानी डाल देना है, तो 2 वाटर बकेट से हो जाएगा काम। और इसके सेंटर पे शिफ्ट दबा के ऊपर से लावा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए विलेजर स्पॉन, मतलब विलेजर आप ले आइएगा, मतलब विलेजर किसी भी, वहाँ क्या कहते हैं, किसी भी विलेज से ले लो। तो पानी का काम हो चुका है। अब हमें चाहिए, जैसे ये है तो ये 7 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको पूरा यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 ब्लॉक ऊपर, अब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो साइड है जहाँ पे लावा है, इसी के साइड के 3 ब्लॉक तोड़ने हैं और इसमें 3 बैरल लगा देने हैं। और बैरल्स के ऊपर बटन लगाना मत भूलना, वरना आयरन गोलम इसी के स्पॉन होगा, ओके। और हमें चाहिए इसके बाद बेड्स, बेड इजी मिल जाता है विलेज में जाके, 3 बेड ले आना है, ठीक है। और फिर हमें रात का इंतजार करना है, 1 ब्लॉक यहाँ लगा देते हैं, तो अब रात का इंतजार करना है। और एक स्लैब ऐसे लगा देना, यहाँ पे 3 स्लैब लगा देना। तो मैं अब रात कर देता हूँ, टाइम सेट नाइट, रात हो गई। अब यहाँ पे मैं 3 विलेजर दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली तीनों अंदर जाएंगे, क्योंकि रात हो रखी है और अंदर एक ही जगह पे वो है। व्हाट द हेल, ओके ओके, हेलो, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई लैग तो नहीं ना गाइस?
विलेजर इसमें चले जाएंगे तीन, ठीक है। तो हमें इसके बाद कुछ नहीं करना, इस ब्लॉक को हटा दो और इन सब के ऊपर स्लैब्स लगा दो, ठीक है। और अगर तुम लोग इसकी जगह वो यूज कर रहे हो जैसे यहाँ पे ग्रास ब्लॉक, तो तुम्हें बस ऊपर से शॉवेल मारना है, ओके। और हमें चाहिए बोट, एक बोट। तो अब मैं बोट वाला कहानी बता देता हूँ, वो सीधा इसी बेड पे लगा देना है, ओके। थोड़ा इधर लेकिन सीधा रहना चाहिए, ओके। ये बोट वाला हो गया। अभी के लिए मैं टाइम को सुबह कर देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, अब हमें मेन काम है, जैसे ये जो बन चुका है ये टेम्पररी बना है, ओके। तो इसको आगे काम करना है, अब पहले इसको हटा देते, ठीक है। तीन विलेजेस आ चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं इधर से गिनना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5 6, इधर एक और ब्लॉक डालेगा, ग्रास ब्लॉक्स लेने आए, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 7 इधर, ठीक है, इस साइड में 7 इधर, और उस साइड में भी 7 मेन लाइंस। तो 1 2 3 4 5 6, जो पास हो रहा था। और हमें इस पूरे एरिया को शवल से कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट है इसमें यहाँ से करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हटा दो, इस इलाके को पूरा सीधा कर दो। और अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो एक ब्लॉक चलो कम भी हो गया हो तो उसके लिए हम कर देंगे एक्स्ट्रा। तो ये तो नॉर्मल है, इसको कितना भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मेन यही था कि इसको शवल से करोगे तभी फायदा होगा। बस शवल चलाते रहना है, काम होते रहेगा, ठीक है, शवल करते रहो। और इस फार्म के लिए मेंटेन वगैरह कुछ चाहिए नहीं होता है, ये नॉर्मल फार्म है। और ऐसा नहीं कि किसी इसको किसी भी शवल से कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर स्टोन शवल से करोगे तो शायद 4 स्टोन शवल लगते हैं, जितना मैंने सर्वाइवल में बनाया तो मुझे पता है 4 स्टोन शवल लगते हैं। ये ग्रास बता दो, ये ग्रास बहुत ज्यादा स्पीड में कर देते हैं छोटे छोटे।
सो अब कर देते हैं फटाफट। उसके अलावा ये सबसे इजी फार्म रहता है, मैंने इसको अपने ऑन लाइव स्ट्रीम बनाया सर्वाइवल में। मेरी पहली लाइव स्ट्रीम में आप देख सकते हो जिसमें मैं सर्वर में गया था, सॉरी डे टू में, डे टू ऑफ लाइव स्ट्रीम एंड डे वन ऑफ सर्वर, उसमें भी ऐसे ही किया था मैंने, और वो भी सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा दिया था। आयरन फार्म इज मस्ट स्टार्टिंग में, अगर आयरन फार्म आ जाए, आयरन से हम ट्रेड भी कर सकते हैं अलग अलग, और फिर आयरन की दिक्कत भी नहीं होगी, कभी भी कितने भी आयरन ले सकते हो, माइन करने जा सकते हो, मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोल सकते हैं कि आयरन है भाई, क्योंकि डायमंड आने के बाद तो कोई जल्दी मरता नहीं है, चलो तो कोई पीवीपी वगैरह ना होता तो कुछ ये कुछ इतना होता ही है। I am coming in a bit. Okay, bro. Okay, bro. Sure. तो ये हो गया, लेकिन ये फार्म जावा में वर्क करता है, ये याद है, ये फार्म जावा का है, जावा में वर्क करता है, क्योंकि पॉकेट वालों का फार्म अलग से बनता है, पॉकेट ऐसे फार्म से नहीं बनता है, पॉकेट का चाहिए होता है भाई 20 villagers कम से कम फार्म बनाने के लिए, गॉड बिना ज़ॉम्बी वाला समझ भी नहीं आता उसमें, मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद एरिया कम ना हो इसलिए मैं शवल ऐसे मार रहा हूँ। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, जितना मेन काम हो रहा था हो गया, अब हमें नॉर्मल चीज है, बस एक ज़ॉम्बी रखना है। ठीक है, तो मैं ज़ॉम्बी को जैसे इधर डालूंगा, ज़ॉम्बी जैसे मैं ज़ॉम्बी को इस पर डालूंगा इधर, ये स्पॉन हो जाएगा, लेकिन ये मुझे और ये डरना शुरू हो जाएंगे। एक बार ज़ॉम्बी को, और ज़ॉम्बी को आपको बैठाना कैसे मैं वही बता दूंगा आपको, ये तीन विलेजर्स हैं, ये तीनों डरेंगे, ज़ॉम्बी ग्रोन विलेजर नंबर्स जब तक नहीं आया तब तक आयरन फार्म रेडी नहीं होगा, और ये आयरन फार्म होगी तो हमें इसमें बहुत लीस्ट ब्लॉक्स चाहिए होते हैं गाइस, ठीक है, बहुत लीस्ट। ठीक है गाइस, ये फार्म चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि रुकेगा, ये फार्म एक्टिव ही रहेगा, 5 आयरन आ गए धीरे धीरे और आएंगे, बस विलेजर डरने चाहिए, विलेजर डरेंगे तो आयरन अपने आप आते, आयरन गोला इससे डर नहीं रहे अपना, इसके पास मुंह नहीं है भगवान, तो मुंह ही नहीं है गाइस, भाई बताए बिन मुंह का विलेजर आया है, अंधा है विलेजर गाइस, अंधा विलेजर है गाइस, आयरन फार्म इज रेडी टू बी डन। आयरन फार्म रेडी है, तब नेक्स्ट चीज करते हैं, आयरन फार्म। ठीक है, अब मैं एक फार्म और बताऊंगा आपको, वो है विलेजर ब्रीडिंग हॉल, इसके लिए हम जाएंगे इधर इसी के बगल में बना देते हैं, कौन सा किसी को फर्क पड़ता है, तो मैं इसके ऊपर इधर करता हूँ, इधर ही बगल में बनाएंगे, ठीक है, ये नहीं,
control, fill. ये खुल क्यों नहीं रहा है भाई? गुड बाय ब्रो. ये कौन सी लैंग्वेज है डूड? विच लैंग्वेज इज दिस? यप, सो मैंने जो बोला था वो कर दिया. यहाँ पे रख लेते हैं. एक पीसी का ब्लॉक है. स्लैश फिल. यप दिस एंड टू दिस पीसी एंड टू दिस. सो इतने में आराम से फार्म बन जाएगा. तो अभी हम फार्म दिखा रहे हैं कि किस किस टाइप के फार्म होते हैं. वैसे मैं सर्वाइवल में बनाता हूँ बट दिस इज अ ट्यूटोरियल. सो सॉरी. इसकी जगह करते हैं 69 ही बेहतर है. हाँ ये पूरा भरना चाहिए. तो ये बनाया मैंने एक नया. अब हमें करना है स्लैश. पहले हम सुबह कर देते हैं, उसमें करेंगे ये अच्छे से. तो गाइस अब हम बनाने वाले हैं मॉब फार्म, मतलब सॉरी अपना विलेजर ब्रीडिंग फार्म. इजी, सबसे इजी विलेजर ब्रीडिंग फार्म आपको दिखाऊंगा. हमें चाहिए कोई से भी ब्लॉक्स. आई एम यूजिंग दिस, यू कैन टेक एनी ब्लॉक. ठीक है, हमें उसके लिए करना होता है जैसे ये है. तो यहाँ से ले लो 1 2 3. तो ये 4 1 2 3 ऐसे गिन लो. तो ये 4 इस ब्लॉक जैसे हम इस साइड डालेंगे तो हमें जाना है लगभग यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4. ये दिस 4. तो अब हम इसको भर देंगे. अब बीज भरेंगे नहीं, इसको बंद एक बॉर्डर बना देंगे. सॉरी सॉरी सॉरी, इधर नहीं, इस वाले में पड़ेगा. और मेक श्योर इसकी 2 ब्लॉक हाइट हो. ये तो विलेजर्स भाग जाएंगे. तो इस हिसाब से मेरे को बनाना है कि इधर ब्रीडर्स निकले. हमें 1 2 3 4 इसके नीचे डालना है पानी. वाटर, वाटर डालेंगे इसमें. इसके ऊपर डाल दिया हमने ब्लॉक. और हमें चाहिए हो कैरेट या पोटैटो कर लो. कैरेट ही चलो ठीक है. एंड इसके बाद हमें चाहिए ये स्लैब्स चाहिए हमें. स्लैब्स चाहिए हमें. बेड चाहिए हमें.
ट्रैप डोर चाहिए हमें, और लास्ट में हमें चाहिए एक साइन बोर्ड्स, तीन चार। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए, जैसे इधर पानी है तो हम इसको लगभग तीन ब्लॉक तोड़ देते हैं, यहाँ डालेंगे हम ये ब्लॉक्स, इधर ये, अभी के लिए यहाँ ब्लॉक डाल देता हूँ ताकि ये विलेजर इसके अंदर आ सके। वो लेंगे इसको हटा के इधर ब्लॉक डाल देते ताकि तो उधर से ले सके, और ये ले आया विलेजर। तो विलेजर स्पॉन है ये रहा, तो मैं ले जाता हूँ, इसमें दो ही विलेजर चाहिए थी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, विलेजर डालना था यार, ये ज़ॉम्बी विलेजर डाल, ये बड़ा लत खो रहे भाई, ये मार नहीं खाएगा लगता, ये नहीं खाएगा मार, ये मार खाएगा भाई मार। ये नहीं चाहिए हमें, एक दो चाहिए। अब हमें चाहिए हो ले लिया हमें, जैसे विलेजर दोनों फार्मर बन चुके हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस ब्लॉक को तोड़ दो, अब यहाँ से ले जाओ बेड, इलाकों को तोड़ना है हमें, पर ऐसे नहीं, जैसे कि ये तोड़ा इसको लगा दिए, ये तोड़ा इसको लगा, ओ सॉरी। ठीक है, अब यहाँ लग गया बेड, वन सॉरी वन टू थ्री, ये तरीका है, और इसको हमें कर देना है इसको बंद, ये हो गया। अब जैसे ये यहां से जाएगा तो वन टू वन टू वन टू वन टू और वन वन, एक कदम और, तो हम करेंगे वन टू वन टू, इधर लगा दिया वापस में, इधर हम बाहर निकले, ठीक है, ताकि ये इस साइड आए, इस वाला नहीं, इतना ये इसी के साथ मेंटेन भी रहे। ठीक है, अब हमें चाहिए एक साइन बोर्ड जो इधर लगेगा, क्योंकि पानी आएगा इससे, पानी आया इधर, साइन बोर्ड इधर, पानी आया इधर, और एक पानी इधर, ताकि विलेजर्स इधर आ। ये सारा काम हो गया, अब हमें बस चाहिए कैरेट, ये डाला कैरेट, कैरेट लिया, ट्यूटोरियल है गाइस, कोई बात सोचा क्रिएटिव है, ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ, और हमें बस इसको हो करना है, बस हो गया। अब बस ये फार्म रेडी है, इसमें अनलिमिटेड विलेजर्स हो जाएंगे, अनलिमिटेड, आप मानोगे नहीं, अनलिमिटेड विलेजर्स होंगे। जैसे अगर मैं कैरेट दे दूं उनको एक स्टैक खाने को, तो आपको दिखाता दो स्टैक दिए थे, तो मैंने अपना इन्वेंटरी उड़ा दिया, हम पे कुछ नहीं है अब, ये विलेजर्स है नॉर्मल। ठीक है, फार्म रेडी है, बेड लग चुका है, तीन बेड है, विलेजर्स के पास सब कुछ है कि वो कर सके ब्रीड, देखते जो ब्रीड करते हैं कि नहीं। इमेज हेल्दी बता रहा है, अब आई थिंक वो फेस टाइम के चक्कर में तो दिक्कत हो रहा है, पहला विलेजर ब्रीड हो रहा है, लेट्स सी क्या नन्ना मुन्ना आते हैं, नन्ना मुन्ना सिपाही हो, छोटा आ गया विलेजर, बोला छोटा विलेजर, और उसको बस उसको नजर है बेड की साइड,
ये गया पानी में और अब ये यहाँ पे आ जाएगा, अब ये यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं कि मरेगा क्योंकि इधर पानी नहीं है। ऐसे इसकी हाइट बढ़ जाएगी, उछलते उछलते इसकी हाइट बढ़ेगी, ये ऐसे बाहर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसको आप कुछ दिनों का टाइम दो, दो फार्म्स हो गए ठीक है, एक विलेजर फार्म एक आयरन फार्म। जब तक मैंने विलेजर फार्म बनाया तब तक आयरन फार्म एक से कलेक्ट हो चुका है। हाय दीदी, है दीदी ब्रो, वो दीदी ब्रो बॉय आया हुआ बॉय ब्रो, नो दीदी ब्रो। हम्म,